हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोगों के पास एक्टिवा 4G है जो सिल्वर कलर में है। इसको हम लोग कम्प्लीट रिस्टोरेशन करने वाले हैं और इसका कलर भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। कलर जो चेंज होगा वो डेजिंग येलो कलर में होगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग इसका पार्ट्स का। सबसे पहले मेडगार्ड से शुरू करते हैं, मेडगार्ड का हालत दिखाते हैं आप लोग को। ये रहा सामने का लुक, उसके बाद मैं दिखाता हूँ अंदर से क्या पोजिशन में इसका। तो अंदर से जो पत्ती लगता है ना, दोनों बोल्ट जो टाइट होता है वो दोनों ही फट चुका है पूरा। तो उसको हम लोग रिपेयर करने, वेल्डिंग वगैरह बढ़िया से करवाना होगा इसको। और बात करते हैं इस फ्रंट पैनल का, तो इसमें तो डेंट है हल्का, लेकिन दूसरा पैनल की बात करते हैं तो उसमें तो जो इसका कोर बना हुआ रहता है ना गड्ढा टाइप में, वो ख़त्म हो गया है। बॉडी पैनल ख़त्म ख़त्म नहीं बोल सकते, ठीक है, इसका लोगो हम लोग नया डाल रहे हैं। उधर का पैनल की बात कर लेते हैं, तो उधर का पैनल ठीक है। बाकी लोअर देख सकते हो, ये छोटा वाला लोअर, ये बड़ा वाला लोअर हो गया। और लोअर जो है वो 5G तक सेम आता है, 5G के बाद 6G में जो लोअर आता है वो छोटा छोटा आता है, बड़ा लोअर नहीं आता है। अब बात करते हैं इसका फाइबर का आइटम का। पहले एक बार ग्रिप कवर दिखा देते हैं। ग्रिप में सिर्फ पेंट होगा पुट्टी वगैरह लगा के। फाइबर का आइटम में वाइज़र पहले देख लो आप लोग, वाइज़र का हाल ठीक है, चल जाएगा, टूटा वगैरह कहीं नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका पीछे का नोज़ का, सामने का नोज़। तो ये टूटा हुआ नहीं है, खाली यहाँ से ज़रा सा ये रगड़ा गया है। पीछे के साइड में ये भी सही है, बिल्कुल सही है, टूटा हुआ कहीं नहीं निकला है। और ये तो हर गाड़ी में टूटा हुआ निकलता है, ये 100% गाड़ियों में निकलता ही, 99% गाड़ी में बोल सकते हो, 100 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि ये सही निकला ही नहीं आज तक कभी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका डेंटिंग का प्रोसेस निकालेंगे और इसका पहले हम लोग मेडगार्ड पहले रिपेयर करवाते हैं, उसके बाद जो डेंटिंग का प्रोसेस है वो हम लोग करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। और आप लोग को किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो चलिए सीधा आप लोग को मेडगार्ड दिखाते हैं। तो मेडगार्ड तो हम लोगों ने रिपेयर कर दिया, रिपेयर करने के बाद तो इसका अभी लाइफ बन गया है, ये लगभग 2-3 साल तक तो आरामी से चल जाएगा। Thank you.
Thank you.
Thank you.
फाइनली गाड़ी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कंप्लीट होने के बाद का लुक कैसा आ रहा है। और गाड़ी तो आप लोगों ने देखा नहीं था, सिर्फ पार्ट्स देखा था। तो अब फिटिंग होने के बाद, पूरा कंप्लीट फाइनल होने के बाद, आप लोग देख सकते हो रिम वगैरह, साइलेंसर वगैरह सब कुछ हम लोगों ने पेंट कर दिया। इसका ज़्यादा कुछ पार्ट्स चेंज नहीं हुआ है, जो भी है सब कुछ जो लगा हुआ था वही पार्ट्स है। गाड़ी का कंडीशन उतना भी नहीं ख़राब था, लाइट वगैरह सब कुछ वही सब लगा हुआ है। खाली इसका एक सीट कवर चेंज हो जाता ना तो मज़ा आ जाता। सीट कवर ने सीट ही पूरा ख़राब है इसमें, तो वो चेंज हो जाता तो बढ़िया लगता, क्योंकि बीच से पूरा फटा हुआ अच्छा नहीं लगता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका लोगो जो था ना एक्टिवा का, वो एक ही पीस मिल पाया और स्टॉक में अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण एक ही पीस हम लोगों ने इसमें लगाया है। स्टॉक में जैसे ही आएगा उसके बाद दूसरा पीस हम लोगों ने उसको लगा देना है। तो आप लोग पूरा गाड़ी का लुक देख लो, और देखते देखते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को कोई तरह से भी आप लोग को गाड़ी में पेंट से रिलेटेड काम करवाना हो, या फिर पेंट से रिलेटिव में जानकारी लेना हो, या फिर पार्ट से रिलेटिव जानकारी लेना हो, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ, व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो सब चीज़ कहीं भी आप लोग पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।